year-long agitation of the farmers has now finally culminated, and the kisan all across Punjab are going back to their villages. There is happiness, there is sadness as well, as but the struggle of the agitation has been immense at this moment. I'll just speak to a few people. पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि कितना समय आप लोगों को अभी लग सकता है सिंगू से निकलने में पूरे तरीके से? सिंगू से निकलने में 3-4 घंटे लगेंगे, सिंगू से बाहर निकलने में, और पंजाब की एंट्री करने के लिए हमें आज शाम रात 11-12 बजे बज जाएंगे। और क्या डीजे बजाते हुए आप लोग जाएगा? ये हमारा अमृतसर तक का प्लान है, अमृतसर मथा टेकने जा रहे हैं हम, सारे 3 दिन में पहुँचेंगे वहाँ पे। तीन दिन आप ऐसे जाएंगे? 3 दिन ऐसे ही जाएंगे हम। कितना सामान लोड किया आपने ट्रक? जो सामान हमारा पीछे ट्रक ट्राले आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं पीछे हमारे, वो देख सकते हो वो पीछे आ रहे हैं। पीछे भी यहाँ पे जो ट्रॉले वगैरह हैं वो आते जा रहे हैं। एक और बार बताइए कि जश्न का माहौल है, लेकिन जिन किसानों को खोया है उनको खोने का गम भी है? बहुत गम है मैम उनका तो, पर अब इतना हो गया ना जश्न, बहुत ज्यादा खुशी होगी, इसलिए एंजॉय बहुत हो रहा है। डीजे बजते जाएंगे तो आगे जो हमारे साथियाँ गांव में वो इंतजार कर रहे हैं, फूलों की बरखा करेंगे, लंगर बहुत लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, तो आगे एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है ऐसा जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ वो आगे कभी हो पाएगा हमारा? अगर सरकारें ऐसे करेंगे तो होएगा, जरूर होएगा। पंजाब रुकने वाला नहीं है, हरियाणा रुकने वाला नहीं है। अगर कोई नाइंसाफी होगी, हमारे साथ धक्का होगा तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई भी सरकार हो, मोदी हो, कांग्रेस हो, कोई हो। अब मंशा यही है, द एम फॉर द फार्मर्स इज दैट नाउ द फार्म लॉज हैव बीन टेकन बैक, सो दे शुड रिटर्न टू देयर होम्स एंड विलेजेस इन पंजाब, बट दिस इज हाउ, एंड इवन बिहाइंड यू विल सी हाउ पीपल आर स्लोली गेटिंग बैक टू द प्लेस वेयर दे केम फ्रॉम। ऑल्सो इन दैट सेंस वन रियलाइजेज दैट it's been a culmination of an agitation that has gone on for over a year. The entire stretch of Singhu border, if I should tell you, remained blocked for almost a year, and now that whole stretch is being opened somehow because farmers feel there's a sense of victory, and therefore this victory is what they are taking back with them, along with the sadness of leaving those that they stayed in the agitation with. And these are moments of historic importance that may not happen ever in future. With Ziauddin, this is Milan Sharma reporting for India Today.